और एक घोड़ा शिरपति का। एक बात करना चाहिए, ये घोड़ा आपका काला वाला है सफेद वाला है? चाहे काला वाला तैयार कर दे चाहे सफेद वाला। काला वाला तैयार कर, सफेद वाला साला कुंडा हो गया। हमारा तैयार कर दे शिरपति भाई। ये बिना आपके आदेश अनुसार मैंने माँ से आदेश दे दिया, आपको कोई इतराज तो नहीं? अरे कोची मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ चले समझो भगवान चले। अरे कोई बात नहीं, कोई ठीक है। अच्छा हम लोग चलते हैं। पिताजी मैंने भैया को तार लिख दिया है, वो तो आते होंगे पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हे पिताजी जरा Oh.
सर झुकाते हो चलो जी, मैंने समझा कि तुम डॉक्टर हो, मेरी गलती समझ लीजिए। ना जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी से व्यवस्था करो डॉक्टर की, पिता जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। भाई की तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है। आपके इलाके में अगर कोई अच्छा 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 डॉक्टर हो तो उसे लेकर आओ, जो भी रुपए पैसे लगेंगे हम बाहर करेंगे। ज्यादा बड़ी डॉक्टर तो नहीं है लेकिन पहुंचे हुए डॉक्टर है। इसी बात कल लेकर जी दवाई की तबियत कब से खराब है भाई? आज एक हफ्ते, एक हफ्ते हो गए। और संदेशा हम लोगों को कर दिया, मैंने सोचा कि पिताजी शायद ठीक हो जाए, जब तबियत हालत बिगड़ गई। राकेश साहब दिखाएंगे बेटा क्या? ऐसी बात नहीं बेटा, मैं जाता हूँ तो ऊपर ऊपर जब तक। शेरा जी यार कैसा डॉक्टर लेकर आए हैं आप? वो जी डॉक्टर ठीक है, इनके खुद दमा और खांसी आ रही है क्या? ऐसी बात नहीं है, इनके थोड़ा प्रॉब्लम और है, समझ निकलती है। डॉक्टर साहब मरीज का चेकअप कीजिए। आगे गिरोगे तो 80 फीट गहरे में जाओगे, पीछे तुम्हारे क्या है निकला हुआ है? अच्छा चेक अप कीजिए। अरे डॉक्टर साहब आला कहाँ लगा रहे हो? वो नैना जी का कान है। हाँ वो तुम्हारा कान है, अपने कान में लगाकर जल्द से जल्द चेकअप कीजिए। लंबी सांस लो और लंबी इन भैंस की तरह डॉक्टर और लंबी। डॉक्टर साहब मेरी सुनो भैया, आला आपने सीने पर लगाया, कमर में लगाया तो बाबा जी ज्यादा नहीं उछके, लेकिन आपने वहाँ लगाया तो ज्यादा उछके क्यों? अरे सारी बीमारी इकट्ठा हो चुकी है। फिर जाओगे दीवार का किनारा है, आपने क्या चक किया? इनके डायरिया हो चुकी है। निराश कीजिए ना, डायरिया हो गई है तो देखो इनके शरीर में खून नहीं बांटे, बहुत जल्दी लाए के चढ़वाओ। डॉक्टर साहब अगर जिस इंसान के शरीर में मरण नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, 250 ग्राम बांटे।
ज्यादा नहीं ना, कहाँ से लाए के फोन, बहुत जल्दी चढ़वाओ नहीं 10 मिनट के मेहमान है। तो आप फोन चढ़ाइए ना, जो पैसे लगे हम लोग दे देंगे। अरे हमारे बैलेंस बैंक में बैलेंस है ही नहीं है भैया, तो हम कहाँ से चढ़ाए। शरीर में कमरे ऐसे नहीं तो फोन पीछे से निकल जी। मैं अपना बैलेंस चेक कराता हूँ।